Recently, हमने अपने चैनल पे काफी वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट जिसके साथ काफी करते हैं पीएसयू बैंक के इंडेक्स की आप देख सकते हैं जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे जीरो पॉइंट अप था और जो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का फिफ्टी वीक हाई है दैट इज सेवन थाउजेंड मुझे लगता है कि अगर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लिए मिल सकता है इन ऑल द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अभी के लिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब भी करेक्शन हुआ था तो मेजर ऑफ द मेजर पी एस यू बैंक एंड बी आई वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इवन इन दैट पर्टिकुलर फॉल बट जो छोटी कंपनीज है जो छोटी पीएसयू कंपनीज है वो इस इंडेक्स के साथ आपको एक काफी बड़ा अपमूव दिखा सकती है जो पहला स्टॉक मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज जे के बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड करके ये आपको स्टॉक मिल जाएगा

शिफ्ट होने लग गया है राइट right? तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्द ही आपको इंडेक्स के साथ एक नया 52 वीक हाई लगाते हुए दिख सकता है नॉट ओनली दिस ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है फंडामेंटली भी काफी साउंड लगता है डिस्पाइट द स्टॉक हैज गिवन मोर देन 100 परसेंट रिटर्न इन लास्ट वन ईयर इस पर्टिकुलर स्टॉक की पी अभी भी निकल के 9 टू 10 के आसपास आती है और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू यहां से भी दस रुपए ऊपर है राइट वेन मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर आउट देयर इन स्टॉक मार्केट ट्रेडेड ट्रेडेड इज गेटिंग ट्रेडेड अब देंसिक वैल्यू ये एक ऐसा बैंक है जो आपको इस चीप वैल्युएशंस पे और इस करंट मार्केट प्राइस पे मिल रहा है तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है और इनिशियली इन शॉर्ट टर्म ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपको करंट लेवल से राइट करंट लेवल से 8 टू 10% का मूव दिखा सकता है फर्दर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 152.50 को ब्रेक कर देता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे और भी बड़े टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं विच कैन लीड दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द लेवल ऑफ लेट मी शो यू 175 राइट एंड फर्दर टू द लेवल ऑफ ₹200 इन नियर टर्म फ्यूचर हाउएवर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जिस भी समय रेट कट्स की बात आती है या रेट कट्स होना स्टार्ट होने लग जाते हैं तब आपको किसी भी बैंकिंग स्पेस में स्पेशली इन द पीएसयू बैंक्स बने नहीं रहना है राइट दैट टाइम यू हैव टू रोटेट योर मनी तो अभी के जो स्मॉल टर्म मोमेंटम प्ले है राइट right? वहां पे आपको एक अच्छा अपमूव देखने के लिए मिल सकता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में और ये जो जे एन के बैंक का स्टॉक है वो आपको इनिशियली वन एंड वन के टार्गेट दिखा सकता है जो सेकंड स्टॉक है इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज महाराष्ट्र बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आप देखिए इसका चार्ट राइट right? और ये पर्टिकुलर स्टॉक जब गिर रहा था तो इसने सपोर्ट लिया है रफली फिफ्टी रुपीज के आसपास यहीं पे प्रीवियसली ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था आप ये देख सकते हैं फिफ्टी टू रुपीज़ पर और यहीं पे आके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की ट्राई की उसके बाद एक नया ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिला ऑन द लेवल अब सिक्सटी फोर सिक्सटी और अब ये स्टॉक उसी जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर देखना चाहे तो एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है बट यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है राइट ये आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था राइट right? इसी का भी सपोर्ट ले रहा है विच इज बेसिकली 64 65 यहां से आपको ये स्टॉक फिर से अप मूव करके 69 70 तक के टारगेट दिखाएगा विच इज बेसिकली रफली 52 वीक हाई और अगर इस 70 के लेवल को ये बैंक ब्रेक कर देता है तो आपको यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक और ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है फर्दर टू द लेवल ऑफ ₹80 रुपीज. राइट right? तो आपको ये स्टॉक भी अपने रडार पे रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है और जब भी स्टॉक पॉल होता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है रेड कैंडल्स आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी और वेन एवर देर इज अ सर्च इन द प्राइस वैल्यू और इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी ग्रीन वॉल्यूम्स यानी कि

एक सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जो भी फॉल था वहां पे आपको होते हुए दिखाई दी उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से स्ट्रॉन्ग दिखने लगे और यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है वन हंड्रेड दिस पेज बैंक ऑफ इंडिया सो है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है 125 के लेवल का और यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आप चाहे तो अभी के लिए मुझे लगता है कि नियरली यहाँ पे ये जो मल्टीपल हाइज बने हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो आपको ये पर्टिकुलर हाइज के ब्रेक होने का वेट करने देना चाहिए तो रफली अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक वन हंड्रेड राइट right. और यू यू कैन से 151.40 रुपीस के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री पॉसिबल हो सकती है और इस इस एंट्री में आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक इनिशियली 156 यानी कि 52 टू वीक हाई तक जाएगा उसके बाद अगर ये सस्टेन होता है तो आपको इसमें उतने ही बड़े टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं जितना ही जितना बड़े का एक्यूमुलेशन हुआ था तो फर्दर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 156 के ऊपर सस्टेन करता है तो 170, 175 के पॉइंट्स तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में विच विल गिव यू रफली अराउंड लेट्स से 15% परसेंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द करेंट लेवल्स तो ये तीनों ही स्टॉक मुझे काफी पॉइज लगते हैं काफी अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ है एक ब्रेकआउट रेंज के पास खड़े हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर बैंक वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन वाला बैंक आपको मिल रहा है इस वक्त एंड इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है काफी अच्छी बुक वैल्यू बुक बुक वैल्यू भी है और साथ ही साथ जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्गली ग्रो होते हुए हमें दिखाई दिए है टेक्निकली एंड फंडामेंटली जे के बैंक में आपको एक अच्छा अपरन और अच्छा अपमूव दिखाई दे सकता है तीनों ही बैंकिंग स्पेस में मुझे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दी स्टॉक्स और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट्स इट हैप्पी इन्वेस्टिंग